करिअरमध्ये इट इज अ माइल स्टोन इन माय करिअर, कारण मी असं गाणं कधी गायलं नाही आहे. आय रिअली थँक्स लेस्ली, आय थँक्स श्रेयस फॉर ॲट लिस्ट थिंकिंग अबाउट मी. हम लोग सब दोस्ती है ना, तो एक्सपीरियंस वही दोस्ती का है, मस्ती मजाक. मस्ती मजाक होता है और अच्छा गाना भी बन जाता है, लेकिन जो एक बार मिलने से जो एक इट्स लव बेसिकली, इट्स लव एंड इट इज द होल वाइब इज हैप्पीनेस एंड पीस. क्या जब मिलते हैं तो कलाकारी भी निकल जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है. क्यों? इसीलिए हम मिलते हैं. दैट्स वाई वी आर फ्रेंड्स, दैट्स वाई वी लव ईच अदर, बिकॉज़ वी रिस्पेक्ट आवर आर्ट, वी लव ईच अदर फॉर व्हाट वी डू. हम लोग जो हमारा जो कला है वो हम आई लव द वे ही सिंग. जैसे उसने जो गाना गाया है, ये गाना जो बहुत बहुत मुश्किल गाना है और बहुत कम लोग ये गाना गा सकते हैं. हिंदी गाने से कितना डिफिकल्ट लगा? मैं काफ़ी मराठी गाने गा चुका हूँ, तो शब्द तो मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन गाने के जो धुन है और जिस तरह से 3 ऑक्टेव्स में ये गाना है वो काफ़ी मुश्किल चैलेंज है. आई होप आई हैव डन जस्टिस टू इट. बहुत खुश हूँ यार, बहुत खुशी का मौका है और अच्छा लग रहा है. मराठी इंडस्ट्री के हमारे सारे दोस्त आज यहाँ पर आए हैं. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि फिल्म को लेस्ली सर जैसे इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जो खुद है, ही अग्रीड टू डू द फिल्म. देन शंकर सर, अवधूत, बेला, स्वप्निल, नंदेश, इन सब ने गाना गाया है उसमें. सो यू नो, एक प्रोड्यूसर और क्या चाहेगा? अगर आपके पास इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड टेक्नीशियंस हो, आई थिंक माई जॉब इज हाफ डन. फिल्म के बारे में अगर आपको छोटे शब्द में बताना हो तो क्या कहना चाहेंगे? कैसा किरदार रहेगा इस फिल्म में? क्या रोमांटिक रहेगी, कॉमेडी, किस प्रकार की फिल्म रहेगी? ये फिल्म एंटरटेनर जोन में रहेगी. एक बेसिकली 3 बंदों की कहानी है, जो दिलीप काका है, अनिकेत विश्वास राव एंड ऋषिकेश जोशी. इनके साथ अचानक एक दिन एक ऐसा हादसा हो जाता है. मैं मराठी बोलूँ का? हिंदी. अच्छा, तो इनके साथ एक अचानक ऐसा हादसा हो जाता है. अचानक एक दिन इन्हें पता चलता है कि वो सरकारी नसबंदी कैंपेन के पोस्टर बॉयज बन गए हैं विदाउट देयर परमिशन. तो ये काफ़ी उनको हिलाने वाली चीज़ उनके सामने आ जाती है. एंड दे स्टार्ट टू फाइंड आउट कि किसने किया, क्यों हुआ. दे स्टार्ट देयर फाइट अगेंस्ट द सिस्टम एंड द होल थिंग इज डेल्ट इन अ वेरी ह्यूमरस कॉमिकल मैनर. बतौर प्रोड्यूसर पोस्टर बॉयज में कैसा एक्सपीरियंस? पता नहीं पैसे कितने कमाऊँगा, बट मज़ा बड़ा आया. इनफैक्ट एक्सट्रीमली सेटिस्फाइंग जर्नी. वेरी वेरी हैप्पी टू हैव वर्क विद ऑल ऑफ देम. समीर पाटिल जो हमारे डायरेक्टर हैं, राइटर है, वो हो, दिलीप काका जैसे इतने बड़े एक्टर वो हो, लेस्ली सर हो, शंकर सर हो, इनके साथ काम करके मज़ा तो आया, बट आई थिंक उससे ज़्यादा बहुत सीखने मिला है. जो एज एन एक्टर काम करते हो आप सीखते हो, बट एज अ प्रोड्यूसर जो आपको सीख मिलती है वो एक काफ़ी 360 डिग्री किस्म की होती है. तो आप मराठी फिल्म, हिंदी फिल्म? हिंदी फिल्म भी बहुत जल्दी